जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान तो हार गया है। अच्छा, पाकिस्तान हार गया, जिसने ज्यादा रन्स किए हैं उसकी तारीफ करनी है। हाँ, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये कहना है। विराट कोहली चेज का मास्टर है, इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है। और आज अगर विराट चेज में कुछ नहीं कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। मैं हमेशा कहता हूं कि विराट अगर आज भी रिटायर हो जाए ना, वो विव रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, जहीर अब्बास, जवेद मियां दाद, इंजमामुल हक, वो मतलब क्रिकेट के जो ब्रेन लारा, जो क्रिकेट के ग्रेट्स हैं, उनके साथ जाके खड़ा हो जाएगा वो। जी तो दोस्तों, आपने फुरकान भट्टी साहब की एक छोटी सी वीडियो मुलाहिजा की होगी, जिसमें वो बाबर आजम के रन्स बनाने के बाद टीम की शिकस्त पर तनकीद कर रहे हैं, और उसके बरक्स विराट कोहली की जो आईपीएल में सेंचुरी के बाद उनको डिफेंड कर रहे हैं, किस अंदाज से डिफेंड कर रहे हैं, और रोहित शर्मा की सेंचुरी के बाद उनकी फोन कॉल इंडियंस फैंस को नहीं गई, जबकि वो बाबर आजम के ही रन के बाद पाकिस्तानी आवाम को कॉल जाती है। आइए इस पूरे टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता चलो कि ये फुरकान भट्टी साहब है, ये एक वीडियो इसने बनाई थी कि मैं व्यूवरशिप के लिए, इंडियन के व्यूवरशिप के लिए आईपीएल को कवर कर रहा हूं। पहले तो मुझे इसने ये वीडियो अपलोड की, मुझे थोड़ा सा एतमाद हुआ, यकीन हुआ कि ठीक है यार, एक बंदे को कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा तो वो वीडियो आईपीएल पर बना रहा है, पाकिस्तान पर नहीं बना रहा, क्योंकि पाकिस्तान के वो मैचेस नहीं हो रहे। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है वो कम से कम 3 दिन रह गए हैं उसको शुरू होने में, लेकिन अभी तक फुरकान भट्टी के अगर पेज आप चेक कर लीजिए तो एक भी वीडियो फुरकान भट्टी ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के हवाले से अपलोड नहीं की। न्यूजीलैंड की सीरीज टीम पाकिस्तान में आई, शाहीन अफरीदी 2 मैचेस में नहीं खेल रहा, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस पर, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पर न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस पर कोई अभी तक किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया, और पूरा पेज इनका बड़ा हुआ है आईपीएल की वीडियोस पर। और तो उसके बाद आपको पता चलूं कि एक और इसने कल लाइव कास्ट किया, लाइव टेलीकास्ट किया, उस पर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत से व्यूवरशिप हासिल करने के लिए वीडियोस अपलोड करता है। इसने आई थिंक 16 मिनट की लाइव कास्ट की होगी मुंबई इंडियन और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के बाद 16 मिनट्स की इसने लाइव स्ट्रीम की, और 16 मिनट के अंदर एक भी इसने पाकिस्तान का क्वेश्चन, पाकिस्तानी यानी कि किसी भी पाकिस्तान ने कमेंट्स किया और उसके क्वेश्चन का रिप्लाई किया हो, जो भी इंडियन से आते थे रिप्लाई, जो भी इंडियन से क्वेश्चन आते थे उनके सिर्फ रिप्लाई दे रहा था, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा था। इससे क्या मुराद लेता हूं, इससे क्या आपको पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ व्यूवरशिप और पैसे के लिए इंडिया की तारीफें कर रहा है। हर जगह पर जहां पर भी इसको मौका मिलता है पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, इंडियंस को ऊपर लेके जाने के लिए, ये पाकिस्तान की बुराई करता है, और सिर्फ किसके लिए, पैसे के लिए। यार एक बंदे के पास अगर वीडियोस नहीं है तो मैं मानता हूं यार, उस बंदे के पास वीडियोस नहीं है, वो आईपीएल पे वीडियो बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है और अभी तक एक भी वीडियो पाकिस्तान पर नहीं आई। तो यार पाकिस्तान के और भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और भी स्पोर्ट्स एंकर हैं, उनके पास तो कोई आईपीएल की टेलीकास्ट नहीं है, आईपीएल को कवर नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान की न्यूज दे रहे हैं, हर बंदे के पास पाकिस्तान की न्यूज है, पाकिस्तान पर वीडियोस बनाने के लिए, कुछ बोलने के लिए बातें हैं, लेकिन आपके पास ही सिर्फ नहीं है, और आप इस तरह कवर कर रहे हो कि जैसे वो आपकी लीग है और आप उसके मुल्क में रहते हो। यार जाने दिया करो फुरकान भट्टी साहब, आपके एक तो मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक बैटर रन्स करता है पाकिस्तान के, जैसे कि बाबर आजम ने रन्स किया और टीम हार गई, उसके वेन्यू आप सुन लीजिए, और जबकि विराट कोहली के शिकस्त के, टीम की शिकस्त के बाद वेन्यू सुन लीजिए।